अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग डायरीज। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक है, खैरियत से हैं। और आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजर रहा है? तो आज मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब। एक्चुअली मेरे बेटे ने बहुत दिनों से फरमाइश की हुई थी कि कच्चे कीमे के कबाब बनाएं और साथ में बीफ पुलाव बनाएं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी तो वो घर पर नहीं है, तो मैंने कहा चले मैं उसके लिए आज ये बना लेती हूँ। तो जब वो आएगा और देखेगा तो बहुत खुश होगा। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर लूँ। तो कच्चे कीमे के कबाब के लिए मैंने लिया है कीमा, 1 किलो कीमा है। 1 अंडा इसमें जाएगा, इसमें जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें और 1 प्याज मैंने ली थी जिसे मैंने चॉप कर लिया है। और इसमें जो मसाले जा रहे हैं वो है काली मिर्चें इसमें 1 टेबल स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं इसमें वो भी 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है। ज़ीरा है इसमें कुटा हुआ, ये भी 1 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और साबुत धनिया लिया है मैंने 1 टीस्पून, और इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया। तो इसमें हम तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। मसाले इसमें डाल देंगे, उसे भी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, लेकिन अंडे से नहीं हो जाती। तो जी हाथ मैंने अच्छे तरीके से धोए हुए, और अब मैं इसको हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइस आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना रखना है, आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं या नॉर्मल। छोटी बना लें, बड़ी बना लें, आपकी अपने ऊपर है कि आप कितने साइज की आप बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। मैंने गरम मसाला इसमें ऐड नहीं किया, मैं ऐड कर देती हूँ, सिर्फ इसका फ्लेवर अच्छा होगा। कच्चे कीमे के कबाब के लिए जब आप बीफ लें तो इसके साथ थोड़ी सी अगर चर्बी हो तो उससे और अच्छे कबाब होंगे। मैं थोड़ा सा इसको चख लेती हूँ। नमक इसमें हम डालेंगे बस पे जायका। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये गरम मसाला, थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ, 1 टेबल स्पून इसमें ऐड की। अच्छा, इसके अलावा अब इसमें नमक डाल रही हूँ। इसमें जायका चेक कर लेंगे। अगेन इसको मिक्स करेंगे। इसमें सारे स्पाइसेस डाल दिए थे और मैंने इसमें टेस्ट किया तो इसमें नमक नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि नमक अगर ना हो टेस्ट किसी चीज़ का भी अच्छा नहीं होगा। और सर अगर आप नमक डाल दें और इतने स्पाइस ना डालें तो अच्छा टेस्ट आ जाता है।
अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ तीन चटनी की पाव, ऑयल मिर्ची में शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप ऑयल है, इसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ साबुत गर्म मसाला, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वन टेबल स्पून जीरा चला गया। अब इसमें थोड़ा सा काला जीरा, उसे शाह जीरा भी कहते हैं, ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून, ये भी डाल रही हूँ, दोनों डाल दी। अच्छा, इसके अलावा इसमें जाएगा ये एक सिनेमन स्टिक है, सिनेमन ये डाल दी, दो मैंने इलायची डाल दी, और इसके साथ ही इसमें मैं प्याज ऐड करती हूँ, और प्याज ऐड कर देंगे जो कि मैंने स्लाइस एक प्याज में ले ली है, और आंच में इसकी तेज कर दी, यखनी भर चुकी है, यखनी मैंने बना ली थी है मैदा, जिसमें जीरा और सौंफ साबुत धनिया डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था, प्याज और थोड़ा सा लहसुन डाल के, जैसे कि यखनी पुलाव बनता है, टेस्ट कर दी मैंने इसका, प्लेन टेस्ट कर दिया मैंने, थोड़ा सा ये ब्राउन होगा प्याज, इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, प्याज ब्राउन हो गई है, लेकिन इसको थोड़ा सा और करेंगे, और इसमें मैं ये हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, थोड़ा सा ये वक्त फ्राई हो जाए, थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे इसको, इसमें शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि है 1 टेबल स्पून, लेकिन ये तो बनी हुई है तो फौरन चावल मैंने खुद दिए थे आधा घंटा हैं, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ, भुने हैं 2 अदर, साथ ही इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन भी भून गया है, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैंने निकाली थी इसकी, नमक मैंने यखनी में भी डाला था, तो थोड़ा सा निहाल से ज़्यादा यखनी के लिए यखनी ज़्यादा, लाल मिर्च
बाद इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला। अगर मुझे और ज़रूरत हुई चावल डाल के, मैंने अपने घर के लिहाज से चावल लिए हैं 6 कप्स मैंने लिए थे, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसकी आँच में तेज़ कर दूँगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए और फिर इसमें मैं चावल शामिल करती हूँ। बॉयल आ गया है, बॉयल आ गया है यखनी में, तो मैं अब इसमें चावल ऐड करती हूँ। इसमें पानी है चावल में, मैं सब पानी निकालूँ इसमें से। इसको मैं खुला पकाऊंगी। चावलों का पानी ड्राई हो गया और इसके ऊपर अब मैं प्लेट लगा दूंगी और इसको हम दम पे ढक के देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और इसकी आंच में हम स्लो कर देंगे। और दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन रखा है जिसमें मैंने कबाब फ्राई करने हैं, इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल मैंने इसमें डाल दिए, अब जो ये मैंने कबाब बनाए हुए थे थोड़ा कुछ देर के लिए मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा फर्म हो जाए। ऑयल गर्म हो गए, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब। इसको आप थोड़ा सा बड़ा बनाए क्योंकि ये श्रिंक हो जाते हैं, अगर इसको बड़ा बनाएंगे तो ये श्रिंक होंगे तो सही, लेकिन इतने वैसे नहीं बनेंगे। मैंने इसको चेक कर लिया था,
देर के लिए मैंने इनको फ्रिज में रखा था। पहले एक साइड से अच्छी तरीके से पकाएंगे, इनको हिलाएंगे नहीं। फाइव टू सेवन मिनट्स हो गए हैं मुझे इसको पकाते हुए एक साइड से, ऐसा मैं इसको दबा दें बाकी, क्योंकि पीने का पानी भी निकलता है। अब मैं इसको साइड से करती हूँ, अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। इसको हल्का सा दबाना भी है ताकि ये अच्छा सा इसका पानी ड्राई हो जाए, इसका पानी निकले। इसी तरीके से इसको मैं 5 to 7 मिनट इसको भी मैं इसको पकाऊंगी और फिर मैं इसको पकाऊंगी। अच्छा जी, तो मज़ेदार सा डिनर तैयार है जो कि मैंने अपने बेटे के लिए तैयार किया है और वो घर वापस आ गया है और उसे बहुत खुशी हुई है कि मैंने उसकी फरमाइश को पूरा कर दिया है। तो देख लें, आपके जो कबाब हैं वो भी टूटे नहीं हैं, बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं और बहुत टेस्टी हैं, और मटन पुलाव भी तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होंगी और आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।